स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन तो आज हम आपके आपके लिए लेकर आए हैं क्लास का चैप्टर आई होप आपको प्रीवियस सेशन पढ़ने में मजा आया होगा और सेशन से समझ में आ रहे होंगे हमने सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट वो खत्म कर दिया है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेकेंड बायोमोलिक्यूल के साथ दैट इज लिपिड्स जैसे कि हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे एक माइक्रोमोलिक्यूल और एक माइक्रोमोलिक्यूल तो उसमें से तीन मॉलिक्यूल्स हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में डाले थे मैक्रो मतलब क्या होते हैं लार्ज कंपेरेटिवली लार्ज और माइक्रो मतलब क्या होते हैं स्मॉल माइक्रो मतलब क्या होते हैं स्मॉल तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में और लिपिड्स क्या हैं माइक्रो मॉलिक्यूल हैं लिपिड्स क्या हैं बच्चों लिपिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल ठीक है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स के कंपैरिजन में लिपिड्स छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो चलो देखते हैं कि ये लिपिड आखिर होता क्या है आपने फैट सुना है आपने शुगर सुनी है आपने प्रोटीन सुना है पर लिपिड ये थोड़ा सा नया कंटेंट है आपके लिए तो लेट अस सी व्हाट इज लिपिड एंड व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ लिपिड व्हाट

हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक लंबा सा चेन बनाते हैं एक लंबा सा चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन क्या बोलते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन चेन तो हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके एक हाइड्रोकार्बन चेन बनाते हैं और इस चेन की कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है इसकी फ्लूइडिटी ये कितना लिक्विड है और कितना सॉलिड है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी तो लिपिड्स की कंसिस्टेंसी कैसी होती है ग्रीसी ग्रीसी यानी कि चिपचिपी एकदम चिपक चिपक ओके तो लिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड दे हैव ग्रीसी कंसिस्टेंसी लिपिड्स आर नथिंग बट दे आर अ लिटिल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फैट्स मतलब हमारी बॉडी में जो फैट होते हैं उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है लिपिड्स का इन लिपिड्स द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज ग्रेटर देन टू इज टू वन हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला था सी एन एच यानी जितना ऑक्सीजन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा यानी टू का रेशियो हमने देखा था लेकिन लिपिड्स में ऐसा रेशियो नहीं देखा जाता है लिपिड्स में थोड़ा सा बड़ा रेशियो देखा जाता है यानी लिपिड्स में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी ओके कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा रेशियो कैसा होगा टू इज वन का रेशियो होगा अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है लिपिड इज अ ब्रॉडर टर्म यूज फॉर फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव तो मैंने आपको ये अब भी जस्ट बोला कि लिपिड ये टर्म कहाँ से आया इट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फैटी एसिड यानी हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं या जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा एडवांस्ड बन के लिपिड बन जाते हैं कितने टाइप के लिपिड्स होते हैं कौन सा फैटी एसिड इन्वॉल्व होता है सब हम पढ़ेंगे नॉट टू वरी। क्या होते हैं ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे पोलार सोलवेंट और नॉन पोलर सोल्वेंट वॉटर इज अ पोलार सोल्वेंट एंड बेंजीन इज अ नॉन पोलार सॉल्वेंट तो अलग अलग पोलार और अलग अलग नॉन पोलार सॉल्वेंट्स के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अगर बेंजीन शायद मैंने रॉन्ग भी बोला होगा तो प्लीज इतना माइंड मत करना माई बायोलॉजी इज गुड बट माई केमिस्ट्री इज लिटिल वीक सो डोंट वरी आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे कि वॉट आर पोलार सोलवेंट्स एंड वॉट आर नॉन पोलार सोलवेंट्स तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि आपके जो लिपिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में डिजोल्व होते हैं मतलब वो वॉटर में डिजोल्व नहीं होते हैं वो नॉन पोलार सोल्वेंट में डिजोल्व होते हैं ओके okay? अब तो देखो हमको यहाँ पे क्या बताया गया है आपके लिपिड का परसेंटेज कि कितना लिपिड कहाँ से मिलता है तो टू परसेंट लिपिड हमको मिलते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में से यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बोला गया है फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फरस प्लस लिपिड मॉलिक्यूल ओके इनको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में फिर थ्री परसेंट स्टिरोल स्टिरॉल यानि कोलेस्टिरल ये ज़्यादातर बॉडी में बनाए जाते हैं यानी एनिमल बॉडी में कहाँ पर बनाए जाते हैं एनिमल बॉडी में और प्लांट में भी स्टिरॉल्स बनते हैं लेकिन उसको हम बोलते हैं फाइटोस्टिरल एनिमल्स के स्टिरोल को बोलते हैं कोलेस्टरॉल प्लांट्स के स्टिरोल को बोलते हैं फाइटोस्टिरल और आगे देखो क्या बताया गया है नाइन्टी फाइव परसेंट ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट्स ऑयल्स ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं हमको प्लांट्स और एनिमल्स से सच एज ऑलिव ऑयल कॉर्न नट नट यानी बादाम अखरोट मिल्क एंड चीज तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं आपके फैट्स और लिपिड्स के अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आखिर फैट का यूज क्या है क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है फैट ज्यादा हो गया तो लोग चिढ़ाते हैं मोटा मोटा करके या ओबेसिटी हो जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बच्चों जितने फैट के डिसएडवांटेजेस हैं उतने ही उसके एडवांटेजेस भी हैं। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ बच्चों को कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखो पे मैंने आपको बताया है कि लिपिड के फंक्शन में लेकिन आप मेरी वीडियो देखोगे तो फटाफट फटाफट आपको शॉर्ट में याद हो जाए इसीलिए मैंने ये स्टार्टिंग में इंक्लूड कर दिया है तो पहला फंक्शन क्या होता है लिपिड का प्री करसर्स ऑफ हार्मोन मतलब बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जिनको बनाने के लिए हमको कुछ ट्रिगरिंग मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती है ट्रिगरिंग मॉलिक्यूल की उन ट्रिगरिंग मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्रीकर्सर प्रीकर्सर मतलब क्या होता है जैसे समझो आपको आपको पढ़ने के लिए मम्मी मम्मी को कैसे बार 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 बोलना पड़ता है है पढ़ 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 ले ले पढ़ ले तो मतलब मम्मी आपकी प्रीकर्सर है. वो बार -बार याद दिला रही है ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो अपने आप नहीं बनते हैं जिनको बनाने के लिए कुछ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है सेकेंड फंक्शन क्या है लिपिड्स का कि इससे कुछ ऐसे प्रोटीन्स और ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जिससे हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प हो थर्ड फंक्शन क्या है इट प्रोवाइड्स स्टोर ऑफ एनर्जी मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में स्टोर होके जब हमें इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है मतलब जब हम बहुत दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिपिड्स फिर फोर्थ फंक्शन क्या है इट प्रोवाइड्स मेटाबॉलिक फ्यूल हमारे लिपिड्स जो हैं यह हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक फ्यूल यानी कि मेटाबॉलिज्म फास्ट करना और फिफ्थ फंक्शन क्या है दिस इज पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिपिड जब फॉस्फोरस के साथ मिल जाता है तो आपका सेल मेम्ब्रेन बनता है तो हमको ये सारी चीजें बताई गई है आपको यहाँ तक समझ में आया है पक्का आगे बढ़े ऑल राइट ऑल राइट तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं क्या पढ़ा हमने हमारे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो फैट का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है तो हमारे जो लिपिड्स हैं वो दो टाइप की फैटी एसिड से बनते हैं कैसे बनते हैं वो दो टाइप की फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल से बनते हैं देखो फैट मतलब क्या होता है बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाना या बहुत सारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन जब एक साथ आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फैट फैट आर नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन वॉट इज फैट इट इज नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ओके लेकिन जब इसी हाइड्रोकार्बन के साथ एक एसिडिक ग्रुप जुड़ जाता है जैसे कि एसिटिक एसिड आसिट, कॉन्सेप्टॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा एसिड जुड़ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो इस फैट को जिसके साथ ये एसिडिक ग्रुप ऐड हो गया है इस फैट को हम बोलते हैं फैटी एसिड क्या बोलते हैं इस फैट को हम फैटी एसिड तो यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो अलग अलग टाइप के फैटी एसिड से बनता है फैटी एसिड्स दो टाइप की होती हैं रेटेड फैटी एसिड्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सैचुरटेड फैटी एसिड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अनसेचुरटेड फैटी एसिड मैं आपको दोनों बताऊंगी तो सबसे पहले देखिये यहाँ क्या बताया गया है फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक वर्ड आया मतलब समझ जाओ कि कार्बन की बात हो रही है सो फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोकार्बन चेन मतलब क्या होती है आपको ऐसे लंबी लंबी कार्बन की चेन देखने को मिलेगी एंडिंग इन कार्बोक्सिल ग्रुप जिसका एक एंड क्या होगा कार्बोक्सिल ग्रुप से होगा एक एंड में क्या प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो ऐसी लॉन्ग चेन जब आपको देखने को मिलेगी तो उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड क्या बोलते हैं उसको हम फैटी एसिड दे कैन बी सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दो टाइप की होती है कितने टाइप की होती है दो टाइप की होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होता है ये तो आपने टेंथ में ही पढ़ा था सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड एंड अनसेचुरटेड मतलब हाइड्रोकार्बन चेन आपको किसी भी कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा और इसका एग्जाम्पल है पाल्मेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं क्योंकि ये एंट्रेंस नीट में भी आते हैं सीईटी में भी आते हैं और आपको इलेवेंथ के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं एसिड्स एंड स्टीरिक एसिड फाउंड in all animal and plant fats are example of saturated fatty acids so plants or animals to see saturated fatty acids dechnocilie तो हम उसको बोलेंगे दैट दीज आर ऑर्गेनिक सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी सिंगल बॉन्ड वाली फैटी एसिड ये देखो यहां पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है पाल्मेटिक एसिड का किसका एग्जाम्पल है palmitic. ये देखो आपको लंबी कार्बन की चेन दिखाई दे रही है एकदम लंबी और एंडिंग में क्या है सी ओ ओ एच ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप और इधर कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा यहाँ पर कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्डा कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा गा इसका मतलब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अगर इसका आप थ्री स्ट्रक्चर देखो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो तो वो आपको ऐसा दिखाई देता है सैचुरेटेड फैटी एसिड एकदम स्ट्रेट होती है अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की अनसे मतलब क्या होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड सो दीज आर विध वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन आइटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कि ऐसे बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और दो कार्बन मॉलिक्यूल के बीच में आपको दो से तीन अलग अलग डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाई देंगे जिसका एग्जाम्पल है ओलेक एसिड ये देखो ये ओलेक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जहां पर भी डबल बाउंड प्रेजेंट होता है वहां से आपका स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ओलेक एसिड इज फाउंड इन नियरली ऑल फैट्स एंड लिनोलेक एसिड इज फाउंड इन मेनी सीड ऑयल्स आर ऑफ फैटी एसिड तो यहाँ पे आपको एसिड का भी एग्जाम्पल दिया है लिन ओलेक एसिड का भी एग्जाम्पल दिया है तो देखो मैंने दोनों का स्ट्रक्चर बताया है ओलेक एसिड का भी स्ट्रक्चर बताया है लिन ओलेक एसिड का भी स्ट्रक्चर बताया आपको किसी का भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना है आपको किसी का स्ट्रक्चर याद नहीं करना है सिर्फ आपको ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर याद करना रहेगा जो आगे आएगा मैं बताऊंगी सिर्फ वही स्ट्रक्चर याद करना आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना है आपको सिर्फ इसके नाम याद करने हैं और हर एक नाम को आपको कम से कम टेन टेन टाइम्स लिख कर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम मराठी मीडियम उर्दू मीडियम से गुजराती मीडियम से या इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो है वो लोग लो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग स्पेलिंग लिखकर प्रैक्टिस करो ठीक है तो देखो जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर हमको बेंडिंग दिखाई दे रही है क्या दिखाई दे रही है थोड़ी सी बेंडिंग दे रही है। तो जब भी किसी भी किसी में आपको बेंडिंग दिखाई दे मतलब समझ जाओ कि ये फैटी है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैट अच्छा होता है सैचुरेटेड फैट अच्छा होता है कि अनसेचुरेटेड फैट अच्छा होता है तो चलो आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं तो ये देखो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक डिस्टिंगविश रखा है सैचुरेटेड वर्सेज अनसेचुरेटेड फैट सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे खराब फैट हमारी बॉडी के लिए होता है ट्रांस फैट जब भी आप बाहर का कोई बेक मतलब कोई भी फ्राइड प्रोडक्ट खाते हैं कोई भी चिप्स या कोई भी ऑयली प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें हमेशा पीछे कॉम्पोजिशन दिया होता है कि आपके इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कितने प्रोटीन्स हैं कितना कैलोरी है एटसेट्रा एटसेट्रा तो सबसे पहले आपको फैट का कॉम्पोजिशन चेक करना है अगर ट्रांस फैट की मात्रा

कर दिया आंसर चलो जिनको नहीं आया आंसर उनको मैं बता देती हूँ सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं सैचुरेटेड और फैट कहाँ से आता है सैचुरेटेड फैट हमको नॉन वेजिटेरियन फूड यानी मीट बटर डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है अनसेचुरेटेड फूड वेजिटेबल ऑयल्स में प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड फैट जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे यानी घी वगैरह जैसा और अनसेचुरेटेड फैट जो होता है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर यानी ऑयल के कंसिस्टेंसी में सैचुरेटेड फैट जो होता है इट इंक्रीजेज लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो टाइप का होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करता है बैड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसके इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा आप बस इतना याद रखो कि सैचुरेटेड फैट्स के वजह से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और अनसेचुरेटेड फैट की वजह से बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है अनसे सॉरी बैड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एल और गुड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एच डी अच्छा होता है और एल एल बुरा होता है तो आपकी बॉडी में ये जो एल डी एल है ये एल डी एल क्या करेगा ये बहुत छोटा छोटा फैट होता है और छोटा छोटा फैट आसानी से बॉडी में कहीं पर भी छुप जाता है समझो ये आपकी ब्लड वेसल है तो आपकी ब्लड वेसल के ऊपर ये छोटा छोटा जो एल डी एल है ये फैट मॉलिक्यूल ऐसे स्टोर होने लगेगा और आपकी ब्लड वेसल को क्लॉट कर देगा अब यहाँ से ब्लड पास होने के लिए जगह नहीं बचेगी तो जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है तो आपका जो सैचुरेटेड फैट है वो आपकी आर्टरीज को क्लॉट कर देता है क्लॉग

Grabs, मतलब पकड़ना। तो हमारा एच किसको पकड़ता है एल डी एल को पकड़ता है एंड एस्कॉट सेट टू दिवर किस इसको कहाँ भेज देता है देखो एच डी एल एल डी एल को पकड़ता है सॉरी सॉरी एच डी एल पकड़ता है बच्चों? एच डीएल एल डी एल को पकड़ता है और एल डी एल को पकड़ के कहा फेंक देता है लिवर में एस्कॉट कर देना यानी कि फेंक देना भगा देना ओके सो एच डी एल एल डी एल को पकड़ के लिवर में भेज देता है और लिवर में जाने के बाद हमारे एंजाइम्स जो एनजा लिवर की एंजाइम्स जो है वो इस एल डी एल के ऊपर अटैक करती है और एल डी एल को ब्रेक कर देती है चुटे -चुटे 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 पार्ट में, और फिर बाद में डाइजेशन की मदद से एक्सक्रीशन की मदद से ये एल डी एल मॉलिक्यूल बॉडी से रिमूव हो जाता है तो अब बताओ कौन सा फैट अच्छा हुआ जो हमारी आर्टरीज को क्लॉट कर दे रहा है वो फैट अच्छा हुआ या जो बॉडी को हेल्दी रख रहा है वो फैट अच्छा है तो सैचुरेटेड फैट हमारी आर्ट ट्रीज को क्लॉट कर देता है इसीलिए इट इज नॉट गुड और अनसेचुरेटेड फैट हमारी बॉडी से गंदे फैट को बाहर निकालता है तो अनसेचुरेटेड फैट अच्छा होता है यहाँ तक आपको समझ में आया है पक्का आगे बढ़े ऑल राइट

डिराइव लिपिड तो देखो यहां पे आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है लिपिड का

डिराइव लिपिड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल लिपिड्स के बारे में सिंपल लिपिड वर्ड सिंपल है तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा तो देखते हैं कि ये सिंपल लिपिड्स कैसे बनते हैं दीज आर अस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स अस्टर मतलब क्या होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन अस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ऐसा ही कुछ फंक्शनल ग्रुप है आई होप अस्टर का तो बहुत सारे फैटी एसिड्स जब एक साथ मिल जाते हैं और उन फैटी एसिड्स के साथ जब आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है अल्कोहल मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप क्या है आर ओ एच तो जब बहुत सारे फैटी एसिड्स और अल्कोहल मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो जाते हैं तो हमको मिलते हैं सिंपल लिपिड्स फैट्स एंड वैक्सीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड ये आपको एग्जाम में आ सकता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड तो दो एग्जाम्पल कौन से हैं सिंपल लिपिड के फैट्स एंड वैक्सेस तो so, सबसे पहले पढ़ते हैं फैट्स का स्ट्रक्चर फैट्स आर आर यानी यानी लॉन्ग चेन ऑफ ऑफ कार्बन फैट्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ये देखो ये आपका अस्टर का स्ट्रक्चर है सॉरी मैंने पीछे यहां पे गलत बनाया था यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा यहाँ ओ आएगा और यहाँ पे आर आएगा सो दिस इज योर अस्टर मोलिक्यूल ओके सो देखो इधर आगे क्या बताया गया है सो दिस इज योर अस्टर मॉलिक्यूल अस्टर के साथ आपका अल्कोहल अटैच हो जाता है और हमारी फैटी एसिड के एंडिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड होती है तो so, इन तीनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये आपका ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल यानी तीन कार्बन वाला कंपाउंड ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन ये थर्ड कार्बन तीन कार्बन वाले शुगर के साथ आपका ओ एच OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल ओके इस ग्लिसरॉल के साथ जब आपकी फैटी एसिड इस ग्लिसरॉल के साथ

मतलब बहुत सारे फैटी एसिड्स जब आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं तो आपको फैट्स मिलता है जिसका एक एग्जांपल दिया गया है ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड यानी तीन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स

एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और तीन फैटी एसिड ओके जनरली फैट्स आर लिक्विड एट रूम जनरलीसैचुरेटेडरेचर हमने अभी पीछे देखा था ना यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो अनसेचुरेटेड फैट होता है वो कैसा होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल का पार्ट है तो अनसेचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड देर फॉर दे आर कॉल्ड ऑयल्स इसीलिए फैट का दूसरा नाम क्या है ऑयल तो जब भी आपकी मम्मी बोलेगी बेटा जा तेल लेके आ जा मार्केट से तो आप याद रहेगा फैटी तो फैट्स। फैटी में थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया जाता है उसमें थोड़े से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एड किए जाते हैं जिससे वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाए और सॉलिड होकर हमको वनस्पति घी मिले तो से हमको वनस्पति घी मिलती है ओके अब देखो आगे हमको यही सेम मान सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बताया गया है यहां पे तो ये स्ट्रक्चर का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो आपको याद करने में आसानी होगी एस्टर का फंक्शनल uh, ग्रुप क्या है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपका एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपके तीन फैटी एसिड चेन से मिलता है तो हमको मिलता है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल ओके और इस बीच क्या रिमूव हो रहा है अपना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो आप देखो आगे क्या बताया गया फैट के यूज बताए गए कि फैट क्यों इंपॉर्टेंट होता है सब लोग तो इतना बुरा बुरा बोलते हैं फैट के बारे में तो फैट अच्छा कैसे हो सकता है लेट अस सी फैट्स आर अ न्यूट्रिशनल सोर्स विथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू मतलब की एनर्जी यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का सोर्सेस तो so, फैट्स का बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस है फैट्स एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल हमारी बॉडी में फैट्स मोस्टली स्टोर होते हैं ओके इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्लांट्स में कैसे प्लांट्स में जो सीड होती है तो सीड का जो एंडोस्फॉर्म होता है वो एक टाइप का फैट होता है सीड का एंडोस्फॉर्म क्या होता है एक टाइप का फैट होता है

ठीक उसी तरीके से हमारे प्लांट प्लांट की सीड्स में जो फैट स्टोर होता है, जब तक फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हो जाता तब तक उसको वो सारा न्यूट्रिशन उसके सीड के स्टोर्ड फैट से मिलता रहेगा और एनिमल्स में फैट कहाँ स्टोर होता है इन एनिमल्स फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोसाइट्स ऑफ द एडिपोस टिश्यू हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मैं आपको वो चैप्टर भी पढ़ाऊंगी एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में जो फैटी टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू क्या बोलते हैं उसको हम एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू का काम ही है फैट स्टोर करना एडिपोज यानी कि फैट तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या है फैट स्टोर करना एडिपोज टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइड यानी फैट सेल्स ओके okay? तो एनिमल्स का फैट कहाँ स्टोर हो रहा है एडिपोज टिश्यू में

फैट होगी और इस फैट का, का काम क्या है यह इंसुलेशन का, का काम करती है इंसुलेशन मतलब क्या होता है समझो आप थर्मस लेके जाते हो ठंडी के मौसम में तो उसके अंदर जब गर्म चाय डालते हैं तो चाय गर्म रहती है ठंडा पानी रखते हैं तो पानी ठंडा रहता है तो जैसे थर्मस का काम होता है टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना ठीक उसी तरीके से उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं तो ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो फैट है हमारी बॉडी का फैट हमारे टेम्परेचर को भी मेनटेन करके रखता है वो बॉडी की हीट बॉडी के अंदर ही स्टोर करके रखता है और वजह से जो ज्यादा हेल्दी लोग होते हैं उनको जल्दी ठंडी नहीं लगती है क्यों क्योंकि उनकी बॉडी में कंटिन्यू हीट स्टोर्ड रहती है और राइट डिपॉजिटेड अराउंड इंटरनल ऑर्गन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के आजू बाजू में जो फैट स्टोर्ड है यानी हार्ट के बाजू में लंग्स और इंटेस्टाइन के बाहर बाहर जो फैट्स हैं ये फैट्स कुशन के जैसा काम करते हैं कुशन मतलब क्या होता है तकिए के जैसा आपने ये देखा होगा कभी किसी ने घड़ी मंगाई होगी तो आपने देखा होगा कि घड़ी का जो डब्बा होता है उसके अंदर तकिया रखा हुआ होता है और तकिए के ऊपर घड़ी लपेटी हुई होती है तो उस छोटे से तकिए को बोलते हैं कुशन कुशन यानी तकिया जो आपकी घड़ी को डैमेज होने से बचाता है Uh, जब भी अमेजोन वगैरह से कोई पार्सल आता है या ऑनलाइन शॉपिंग से जब आप पार्सल करते हो पार्सल ऑर्डर करते हो तो आपका प्रोडक्ट कैसे अगर आपने कोई कांच का मग मंगाया है या कोई भी सेंसिटिव चीज मंगाई है तो उस सेंसिटिव सी चीज को बबल uh, पेपर में रैप करके दिया जाता है बबल रैप होता है ना जो फोड़ने में मजा आता है तो बबल रैप में पैक करके देते हैं ताकि अगर वो प्रोडक्ट नीचे गिर भी जाए वो बॉक्स अगर नीचे गिर भी जाए तो आपका प्रोडक्ट ना टूटे सारा शॉक वो बबल रैप एब्जॉर्ब कर ले जैसे अगर घड़ी का डब्बा नीचे गिर जाएगा तो घड़ी के अंदर का जो तकिया है वो तकिया घड़ी को नहीं गिरने देगा तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के आजू बाजू में जो फैट प्रेजेंट होता है वो फैट कुशन का, का काम करता है यानी प्रोटेक्शन का, का काम करता है वो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है मैकेनिकल शॉक यानी गिरने अगर चोट लगी अगर किसी ने आपको मुक्का मारा तो आपके ऑर्गन तुरंत डैमेज नहीं होंगे क्योंकि हमारे ऑर्गन के आजू बाजू में फैट की लेयर प्रेजेंट है और जो लोग एकदम होते हैं एकदम सूखे हुए होते हैं उनकी बॉडी में फैट की मात्रा कम होती है इसीलिए उनको इंजरी के ज्यादा जा, चांसेस होते हैं ओके सी so पे आपको बताया गया है वाई डू वी नीड फैट्स वी नीड फैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स फैटी टिश्यू इट एक्स एज स्ट्रक्चरल कंपोनेट ऑफ सेल्स हमारी फैट की वजह से हमारा सेल काफी ज्यादा प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप लेता है हमारे बॉडी में जो विटामिन का अब्जॉर्ब्शन है विटा, विटामिन ए डी ई एन के ये सारी के सारी विटामिन फैट की मदद से एब्जॉर्ब होती हैं एंड सर्टन टाइप्स ऑफ फैट्स हेल्प टू कीप अ हेल्दी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स यानी अन फैट जो है वो लो ये एल डी एल को लो डिपॉजिट प्रोटीन्स लिपो प्रोटीन्स को ब्रेक करके बाहर फेंक देता है बॉडी से यानी कि एच डी एल जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प कर रहा है हेल्दी रहने में और फैट से हमको एनर्जी मिलती है सो दीज आर ऑफ फैट्स अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अब आगे हमको क्या बताया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फैट्स हम सिंपल लिपिड पढ़ रहे हैं सिंपल लिपिड में पहले हमने फैट पढ़ा अब हम पढ़ रहे हैं वैक्सीज तो वैक्स का बहुत सिंपल है फटाक से देख लेते हैं वैक्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड दे आर अस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड अस्टर यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल्स सेम वैक्स का स्ट्रक्चर भी फैट्स जैसा ही होता है दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड सबसे ज्यादा वैक्सेस देखो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्लड में गोनाइड्स गोनाइड्स यानी कि आपके सेक्स ऑर्गन्स गोनाइड्स मतलब क्या होते हैं बच्चों गोनाइड्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स तो दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड इन द गोनाइड्स एंड इन द सबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन सबेशियस ग्लैंड मतलब क्या होती है ऑयल ग्लैंड हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में कुछ कुछ ऐसी ग्लैंड हैं जो बॉडी से ऑयल रिलीज करती है तो उन ग्लैंड को हम बोलते हैं सबेशियस ग्लैंड और आपके बॉडी में स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है स्वेट मतलब पसीने वाली ग्लैंड जैसे किसी किसी को हाथ से बहुत पसीना आता है किसी के नाक पे बहुत पसीना आता है मुझे बहुत पसीना आता है मुझे फेस पे बहुत पसीना आता है हाथ पे बहुत पसीना आता है और पैर पे बहुत पसीना आता है यानी मेरी सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड यहाँ पे

दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो वैक्सीस होते हैं वो they are somewhat solid. मतलब वो मतलब एकदम पत्थर जैसे नहीं होते हैं। बट फैट्स के comparison में wax थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी आपका वैसलिन जेली ले लो शहद से मध से जो जेली बनाते हैं जो ठंडी में लिप्स पे लगाते हैं वो जेली भी आपकी कैसे सॉलिड uh, रहती है नॉर्मल टेम्परेचर पे हाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो वो लिक्विड हो जाती है ओके वैक्सीस फ्रॉम वाटर इन कोटिंग ऑन हेयर देखो वैक्सेस का फंक्शन बताया गया है। वैक्स क्या फंक्शन करता है वो अलग अलग बॉडी uh, टाइप्स को प्रोटेक्ट करता है यानी हमारी स्किन में से जो ऑयल रिलीज होगा वो ऑयल हमारी स्किन के ऊपर एक परत बना देगा ताकि हमारी बॉडी से पसीना ज्यादा ना निकले और हम, हमको डिहाइड्रेशन ना हो देखो पसीना निकलना अच्छी बात है लेकिन अगर ज्यादा बॉडी से पानी निकल गया तो बॉडी को प्यास लगने लगती है पॉलीडिप्सिया वाला सिचुएशन हो जाता है तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट का वैक्स प्रोड्यूस होना चाहिए ये नेचुरल ऑयल या नेचुरल वैक्स होता है जो आपके स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होता है हेयर के ऊपर प्रोड्यूस

तो ऐसी लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल ऐसी लेयर को हम क्या बोलते हैं क्यूटिकल क्यूटिकल यानी कि वैक्सी लेयर ऑफ प्लांट क्यूटिकल मतलब क्या होता है वैक्सी द प्लांट ओके जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा और प्लांट को वाटर से प्रोटेक्ट करके रखेगा ये देखो यहाँ पे आपको मधुमक्खियों का छत्ता बताया गया है कैसे मधुमक्खियां फ्लावर्स में से मध जमा करती हैं हनी जमा करती हैं और उसको स्टोर करती हैं और इस मध से बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बहुत सारी दवाइयों में कफ सिरप्स में और लोशन

अदर ग्रुप्स लाइक फॉस्फेट शुगर एक्सेट्रा यानी कि जब आपके फैटी एसिड में कोई बाहर से एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो उस फैटी एसिड को हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड क्या बोलते हैं उसको हम कंपाउंड लिपिड दे कंटेन अ मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल देखो सिंपल लिपिड किससे बनता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड ठीक है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके आपका सिंपल लिपिड बनाते हैं लेकिन जब इसमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो फिर इस लिपिड को हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड क्या बोलेंगे इस लिपिड को हम कंपाउंड लिपिड ओके तो दे कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड एंड अ फॉस्फेट ग्रुप और सिंपल शुगर स कंपाउंड अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप कभी कभी यह फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजन ग्रुप भी अटैच रहेगा कभी सल्फर अटैच रहेगा तो मतलब आपके लिपिड में जब भी कोई बाहर से एक्स्ट्रा मोलिक्यूल एड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड ओके फॉस्फोलिपिड है पोलार ग्रुप्स एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलार ग्रुप देखो ये क्या बात हो रही है ये डायग्राम देखो आपको समझ में आएगा यह हमारा फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है बाय मेम्ब्रेन है ओके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनती है और लिपिड मॉलिक्यूल्स के दो हेड होते हैं मतलब दो एंड्स होते हैं एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड यानी जो वाटर को अट्रैक्ट करता है और एक होता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है देखो बायोलॉजी में या साइंस में फिलिक वर्ड का मतलब होता है लविंग और फोबिक मतलब होता है हेटिंग फोबिक मतलब क्या होता है हेटिंग हाइड्रोफिलिक हाइड्रो हाइड्रोमीन्स वॉटर एंड फिलिक मतलब लविंग यानी पानी से प्यार करता है लिपिड का एक हेड जो है ये ऊपर वाला हेड जो है ये पानी से प्यार करता है इसीलिए ये पानी की तरफ है और जो पार्ट पानी से प्यार नहीं करता है वो अंदर की तरफ छुपा हुआ है तो लिपिड मॉलिक्यूल्स के जो टेल होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है ओके सो दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल तो देखो पीछे वापिस थ्योरी में क्या बताया गया है फॉस्फोलिपिड्स इसको फौ, ये फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके बीच बीच में आपका फॉस्फोरस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है यहाँ पे बीच बीच में आपके फॉस्फोरस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ओके ये देखो यहाँ पे आपको और एक स्ट्रक्चर बताया गया क्या बोलते है इसको हम? तो यहाँ देखो क्या बताया गया है फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक पोलार ग्रुप्स एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलार ग्रुप यानी दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर फॉस्फोलिपिड बनाए हाइड्रोफोबिक यानी जो पानी से डरते हैं जो टेल वाला पार्ट है और हाइड्रो फिलिक यानी जो पानी से प्यार करते हैं तो ये देखो ये सॉरी आगे जाएंगे ये देखो ये जो हमारा मेमब्रेन है इसमें पानी से प्यार करने वाला पार्ट भी है और पानी से डरने वाला पार्ट भी है तो पोलार एंड नॉन पोलार पोलार मतलब ये एंडिंग वाले और नॉन पोलार मतलब ये बीच वाले तो पोलार और नॉन पोलार दोनों मोलिक्यूल से मिलके आपका फॉस्फोलिपिड बाई लेर बनता है अब आगे आपको क्या बताया गया है फॉस्फोलिपिड कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेंब्रेन फॉस्फोलिपिड कहाँ पर यूज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल मेंब्रेन बनाने में यूज होते हैं अब बारी आती है दूसरे कंपाउंड लिपिड की दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स मैंने आपको पहले ही बोला था जब हम क्लासिफिकेशन का चार्ट देख रहे थे तभी मैंने आपको बोला था कि कंपाउंड लिपिड में हम दो एग्जाम्पल देखेंगे फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स का तो देखो यहाँ ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में क्या बताया गया है ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल फैटी एसिड सिंपल शुगर सच एज गैलेक्टोज एंड नाइट्रोजनस बेस यानी कि ये डायग्राम देखो ऐसा समझो आपका कोई एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है इस फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस है आपका लॉन्ग फैटी एसिड का चेन है और एक शुगर मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल विथ योर फैटी एसिड चेन ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं ग्लाइकोलिपिट जब आपके लिपिड में फॉस्फरस अटैच होगा तो फॉस्फोलिपिड जब शुगर अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड ओके यानी ग्लूकोज या गैलेक्टोज अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइड इनको हम सेब्रोसाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन में पाए जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ देम हैव बीन फाउंड इन द ब्रेन व्हाइट मैटर एंड माइलिन शीत हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है न्यूरॉन के बाहर ये देखो ये ऐसा कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहता है तो न्यूरॉन के बाहर ये जो माइलिन शीत होती है ये माइलिन शीत इसी ग्लाइकोलिपिड से बनती है ठीक है इसके बारे में थोड़े बड़े हो जाओ ट्वेल्थ में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी ओके तो आई होप आपको कंपाउंड लिपिड अच्छे से समझ में आया होगा ये देखो और एक ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर देखो ये आपका बायोलिपिड है ये आपका क्या है बायोलिपिड है इसके ऊपर आपका एक शुगर रेसिड्यू अटैच्ड है तो जब लिपिड के ऊपर शुगर होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड और अगर इस शुगर के साथ नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेरिब्रोसाइड क्या बोलेंगे उसको हम सेरिब्रोसाइड ओके ऑल राइट अब हम पढ़ते हैं हमारे थर्ड या और लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में दैट इज डिराइव्ड लिपिड्स डिराइव्ड वर्ड का मतलब क्या होता है ये नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते हैं इनको बनाना पड़ता है मतलब ये दो तीन मॉलिक्यूल को कंबाइन करके कुछ जुगाड़ करके ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है लिपिड्स डिराइव करना यानी बनाना फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन पड़े हैं ना आपने आपको कंडीशन दे दी जाती है और आपको बोला जाता है चलो अब डेरीवेशन करके दिखाओ डेरीवेशन यानी कि कुछ चीज प्रूव करना तो स्टिरल्स जो है ये एक टाइप का डिराइव लिपिड है जो बनाया जाता है कुछ नेचुरल मॉलिक्यूल्स के यूज से

कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा तो बॉडी हेल्दी रहेगी ओके इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल्स ऑफ एनिमल बॉडी बट पर्टिकुलरली नर्वस नर्वस सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है हमारे टिश्यू में आइदर फ्री और कोलेस्ट्रॉल मेंस्टर मतलब कभी कभी ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ब्लड में फ्रीली घूमता है और कभी कभी ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आपके स्किन के साथ चिपक जाता है अगर ये स्किन के साथ चिपक गया तो मतलब ये क्लॉटिंग करना स्टार्ट करेगा विच इज नॉट गुड ओके आगे देखो क्या बताया गया है स्टिरल्स के अलग अलग यूजेस बताए गए हैं कि स्टिरल्स से कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन कॉर्टिकॉइड्स मतलब क्या होते हैं ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन देखो ऐसा इमेजिन करो ये आपकी किडनी है किडनी के ऊपर ऐसा एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर रहता है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड इसको हम क्या बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड और इस ग्लैंड से जो हार्मोन बनेंगे उन हार्मोन को हम बोलेंगे एड्रीनोकॉर्टिकॉइड एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स यानी कैल्शियम वाले हारमोन सेक्स हॉर्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है मेल में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आप बिल्कुल टेंशन मत लो ओके अभी सिर्फ बेसिक अच्छे से समझ लो कि आपकी बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स हैं वो स्टेरॉल्स की मदद से बनते हैं तो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड सेक्स हॉर्मोन्स एंड विटामिन डी ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है विटामिन डी से क्या होता है अपनी बोन स्ट्रॉन्ग रहती है सो विटामिन डी सेक्स हॉर्मोन एंड एड्रीनोकॉटिकोइ्स दे आर सिंथिसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनते है कोलेस्ट्रॉल से इसीलिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स प्लांट्स में जो फैट प्रेजेंट होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलते हैं प्लांट के स्टेरॉल्स को हम बोलते हैं फाइटोस्टेरॉल प्लांट के स्टेरॉल को हम क्या बोलते हैं फाइटोस्टेरॉल फाइटो मतलब प्लांट फाइटो मतलब क्या होता है प्लांट और स्टिरोल मतलब डिराइव लिपिड्स ऑफ प्लांट्स ओके एक एग्जाम्पल दिया गया है याम प्लांट का याम प्लांट एक ऐसा स्पेशल प्लांट है जिससे एक स्पेशल दवा बनाई जाती है मतलब इसमें से ना एक स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलता है स्टेरॉइड यानी कि एक ऐसा खास प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसका नाम है डायोसजेनिन इस डायोसजेनिन की मदद से हम एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाते हैं यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी फीमेल जो पिल्स खाती हैं जैसे आई पिल्स सहेली एटसेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारी ऐसी पिल्स हैं जो आपके प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं जिनके अंदर फाइटोस्टिर प्रेजेंट होता है तो देखो कितना एडवांटेज है एनिमल्स का एनिमल्स में मतलब हम में सेक्स हार्मोन्स विटामिन डी और एड्रिनोकोर्टिकॉइड्स बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से और प्लांट्स में जो प्रोटीन बनती है डायोजेनिन वो फाइटोस्टेड की वजह से बनती है और उस डायोजेनिन को हम कहाँ यूज करते हैं एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने में यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो औरतें खाती हैं तो ये था आपका डिराइव लिपिड्स का एक्सप्लेनेशन आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपने अगर अब तक नोट्स नहीं लिए हैं तो हमने ऑलमोस्ट टेन चैप्टर्स के फिजिक्स के नोट्स ड्राइव पर अपलोड कर दिए हैं और सारे नोट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलेगी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वहां पर मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फिजिक्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर्स के बाकी के चैप्टर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी और बायो का भी चैप्टर का पीडीएफ सर बना रहे हैं तो बायो का भी जल्दी अपलोड हो जाएगा फिजिक्स का भी जल्दी अपलोड हो जाएगा अब आपको करना क्या है आपको फटाफट से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है ज्ञान लैब ज्ञान लैब सर्च करो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो टेलीग्राम ऐप कुछ ऐसा ब्लू कलर का दिखाई देता है ऐसा लेटर जैसा स्ट्रक्चर है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो वहां पे ज्ञान लैब सर्च करो या नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करो तो अपने आप टेलीग्राम ऐप खुल जाएगा और वहां पे ज्वाइन बटन दबा लो फ्री फ्री ज्वाइन है ठीक है कुछ पैसा नहीं देना है वहां पे आपको सारी वीडियोस की लिंक मिलती रहेंगी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी प्लीज अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो पिछले साल के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया था हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें उनसे ज्यादा प्यार और उनसे ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे क्योंकि हम आपके लिए बहुत जल्द सरप्राइज वीडियो लाने वाले हैं तो सरप्राइज वीडियोज अगर चाहिए तो फटाफट चैनल को स्प्रेड करो फटाफट ट्वेंटी सब्सक्राइबर्स करवा दो और पढ़ाई करते रहो पढ़ाई करते रहो क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीजें बाद में मिलते हैं जल्दी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और पढ़ते रहना थैंक यू स्टेट सी यू सून